मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस। सो बहुत लोग मुझे मैसेज कमेंट कर रहे थे भाई इमरान भाई के बाइक का जल्दी वीडियो लेके आओ। और वीडियो देखिए यहाँ पे कौन सी बाइक आ चुकी है जो लॉकडाउन में बाइक की शुरुआत हुई थी। और बहुत पुराना एक वीडियो मैं आपको डिफरेंस दे दूंगा कि उस टाइम ये बाइक किस लुक में था। और अभी जब आप देखेंगे तो यहाँ पे पल्सर 220 फुल कैफे रेसर मॉडिफाइड में। सबसे स्पेशल बात इसमें है डबल डिस्क ब्रेक जो कि सुपर बाइक में आता है। ओके, वो पूरा किट इसमें बनाया गया है, वो भी इमरान रॉकी कस्टम गैरेज। लिंक इन डिस्क्रिप्शन के इंस्टाग्राम का आईडी आपको मिल जाएगा जहाँ पे आप उन सारे मॉडिफिकेशन देख सकते हो। सो मैं बिना ज्यादा आपका टाइम वेस्ट किए बुलाना चाहूंगा इमरान भाई को और बाकी डिटेल इस बाइक के बारे में। सो ये वाला शॉट तो बनता है, तो यहाँ पे हमारे साथ आ चुके हैं इमरान भाई। सो भाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको बहुत बहुत थैंक्स कि मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे फॉलो किया और मेरे स्टोरीज देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मेरे से पार्ट्स मंगाते हैं, तो थैंक यू सो मच गाइस। तो आते हैं इस बाइक के ऊपर का। एक्चुअली ये लॉकडाउन के पहले आई थी तो काफ़ी टाइम उसको लगा है बनने के लिए। तो ये है आपके सामने ड्यूल डिस्क के साथ कॉन्टिनेंटल जीटी टैंक और फुल कैफे रेसर मॉडल में। तो इसके बारे में स्पेसिफिकेशन के बारे में इससे बात करते हैं, क्या क्या ऐड किया है, क्या क्या कौन सा पार्ट्स है भाई, इनसे पूछेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट इंस्टॉल किए और टोटल कितने खर्चे है। सबसे स्पेशल ये डबल डिस्क ब्रेक काम करने में कितना मगज मारी, मतलब कैसे आपने ये काम किया ये बताइए। तो बेसिकली हमने दो मैकविल लिया, तो हब रहते हैं जिसमें प्लेट बैठता है वो हमने कट करके वो यहाँ पे वेल्ड किया हुआ है, जो कि अभी पता नहीं चले अब क्योंकि प्रॉपरली हमने कटिंग वगैरह करके फिनिशिंग देके उसको ऐड किया। और ये जीटी की प्लेट है जो 320 mm की है जो कि काफ़ी वाइल्ड है और ब्रेकिंग के लिए भी प्रॉपर है, और कंपनी भी ब्रैम्बो की है तो अच्छा ब्रेकिंग भी देता है। और बेसिकली हमने यहाँ पे दो कैलिबर ऐड किए हुए ड्यूक के, एक उल्टा और एक सीधी पोजीशन में लगा हुआ है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पाइप लगाया हुआ है, और छोटा यहाँ पे हमने स्पेसर्स लगा है जो कि यहाँ पे प्लेट परफेक्ट एडजस्ट हो और कैलिबर कहीं पर टच ना हो, वो हिसाब से हमने स्पेसर्स लगाए हुए हैं। सो ये जो चीज़ आपने देखा डबल डिस्क ब्रेक का, ये चीज़ देखते मैंने मेरी बाइक के लिए भी सोचा, लेकिन नए वाले किटे में ये इजी नहीं है। ओल्ड का थोड़ा बड़ा है, ओल्ड वाले किटे में आराम से कर सकते, ऐसे बहुत लोगों ने भी किया भी है। एक तो अहुरा संडे राइड में आते भी, उनके पास भी RC 390 है, उनमें मैंने देखा था। और बाकी डिटेल बताइए, जैसे कि हेडलाइट हो गया, हैंडल हो गया, जो सब कंट्रोल है इसमें, और ये टैंक और ये सीट, और सबसे बेस्ट इसमें कौन सा इंजन है। ओके ओके, इसमें अगर दोनों सिंगल लाइट साथ में जलाना हो, ओके, तो नॉर्मली एक फ्लैशर डाला हुआ है इसमें जो ऑटोमेटिक वर्क करता है। ओके, तो स्लाइटली एक इंडिकेटर लेफ्ट का, फिर सडनली राइट का, राइट लेफ्ट करना है तो दोनों ये साथ में जलने लगता है। मतलब एक्स्ट्रा बटन आपने दिया ही नहीं जैसा बाकी गाड़ी में रहता है। जैसे मेरे खुद के किटे में एक्स्ट्रा बटन है, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं। एक बार इसको राइट करना है, एक बार लेफ्ट करना है, और दोनों लाइट यहाँ पे चालू। क्या वायरिंग किया भाई, एकदम सुपर बाइक वाला वायरिंग लग रहा है इसमें। और बताइए इस बाइक के बारे में। ओके, तो हम फ्रेम की बात करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मेहनत का काम हुआ है इसमें फ्रेम में। तो ये बेसिकली आप फ्रेम देख रहे रहेंगे, बहुत जाड़ा पाइप यूज़ किया हुआ है और कम्प्लीटली मतलब है ना फुल सेटिंग के साथ, एकदम सीट पोजीशन, सस्पेंशन का सेटिंग सब पूरा प्रॉपर को ध्यान रखते हुए यहाँ पे फ्रेम बनाया हुआ है। बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन डोंट वरी, आपको सारी डिटेल इमरान भाई के इंस्टाग्राम पे मिलता रहेगा। जब भी किसी भी बाइक में मॉडिफाइड करेंगे तो स्टोरी में पार्ट्स के नाम एंड डिटेल बताते रहते हैं। ये है कि कभी कभी किसी को रिप्लाई नहीं कर पाते भाई, ओवरलोड काम है। कभी शॉप पे आओगे इनके तो देखना कितने ओवरलोड काम है। पता नहीं, बहुत जल्दी आपने इसको रेडी कर दिया। और यहाँ पे ब्रांडिंग देखिए, टैंक को पूरा नाम भी दिया, पूरा फील भी दिया है। और सबसे बेस्ट आएंगे तो यहाँ पे आपको इमरान भाई का लोगो मिलेगा, जो इस ब्रांड को हमें बहुत आगे लेके जाना है। सो आप देख रहे हो मेहनत कितनी की है, मेहनत मतलब कोई सोच नहीं सकता कि 220 के इंजन को लेके, KTM के पार्ट्स को लेके इतना अच्छा मॉडिफिकेशन कर दिया है। मतलब अगर सुपर बाइक मिल जाए ना, उसको भी और स्टार बना देंगे, इतना तो गारंटी डेफिनेटली बोल सकता हूँ मैं। Big, 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 big
इस बाइक में कुछ मेन पार्ट के नाम आपको इमरान भाई बताएंगे जो कि वो रेंडमली बाइक में पार्ट्स यूज करते हैं उनका, और कैफे रेसर में वो यूज होने के बाद कुछ इस तरह लुक तैयार होता है। इमरान भाई जल्दी बताइए फास्ट एकदम। ओके, तो ये है टैंक कॉन्टिनेंटल जीटी की, एंड यहाँ पे कॉवल देख रहे हैं, ये हैंडमेड है जो कि कैफे रेसर के लिए बेस्ट एकदम लुक है। उसके बाद में हम बेली की बात करते हैं। बेली है RC 390 की, जो कि वो साइड से बिग साइज है और ये साइड से स्मॉल, और परफेक्ट कैफे रेसर का लुक देती है। उसके बाद में हम बात करते हैं फ्रंट फाइंडर की। फ्रंट फाइंडर भी कॉन्टिनेंटल जीटी का है और ये फ्रेमवर्क आप देख रहे हैं, ये हैंडमेड है। उसके बाद में सस्पेंशन USD शॉक्स है जो कि KTM 390 200 में ऑब्वियसली आता है। और हैंडल की बात करते हैं, हैंडल हमने यहाँ पे 390 का हैंडल यूज़ किया हुआ है RC। यहाँ पे हमने RC के हैंडल को यहाँ से कट करके एक्स्ट्रा और टी प्लेट लेके अंदर इसके फोक के अंदर फिट किया हुआ है। जैसे आप ये देख रहे हैं, जैसे ये वन ये टू, मतलब इसमें दो हैंडल यूज हुआ है, मतलब ये आधा और ये आधा, तो जाके रेडी हुआ है कैफे रेसर। मतलब आप जो कुछ मॉडिफिकेशन देखते होंगे यहाँ वहाँ, आपको उतना पसंद आता नहीं होगा बिकॉज उसमें प्रॉपर फिनिशिंग नहीं होता, प्रॉपर मेजरमेंट नहीं होता। इसमें वो सब चीज़ें प्रॉपर फिनिशिंग है, प्रॉपर मेजरमेंट है और प्रॉपर पैसे भी लगे हैं, तो जाके ऐसा बाइक रेडी हुआ है। तो यहाँ पे आपको चेन का कलर कुछ अलग लग रहा होगा, गोल्डन टाइप में है, तो ये एक्चुअली ब्रास की चेन है जो थोड़ा कैफे रेसर के लिए लुक थोड़ा सा यूनिक देता है, इसके लिए हमने यहाँ पे ब्रास की चेन डाली हुई। और एक बात, आपको यहाँ पे बैटरी के कहीं दिखाई नहीं दे रही होगी, सीट के नीचे, कहीं टैंक के नीचे, कहीं पे नहीं, तो हमने बैटरी इंस्टॉल ऐसी जगह किया है जो कैफे रेसर का जो प्रॉपर लुक है सीट का वो ख़राब भी ना हो और बैटरी सेल्फ स्टार्ट के लिए भी परफेक्ट रहे। तो हमने यहाँ पे सस्पेंशन के नीचे ऐड किया हुआ है बैटरी, तो स्विंग आर्म के पास काफ़ी गैप था और बैटरी बॉक्स भी परफेक्ट बैठा है वहाँ पे और बैटरी इंस्टॉल हुआ है। फिनिशिंग इस तरह, तो भाई के साथ में जो 1.5 साल हो गए रहेंगे हम दोनों की, जब से हम वीडियोस बना रहे हैं और ये जब से काम कर रहे हैं, और आज तक कोई कंप्लेंट आया है क्लाइंट से? मतलब कोई कंप्लेंट नहीं, मतलब कंप्लेंट आने से पहले ये खुद ही उस चीज़ को परफेक्ट कर देते कि सामने से कभी कंप्लेंट ना आए। और इनकी मॉडिफिकेशन के क्या कहने, जो आपने इनको सपोर्ट दिया इंस्टाग्राम पे इनके, माशाल्लाह भाई, थोड़े हमें भी कर दो, आ जाओ वहाँ से यहाँ पे भाई प्लीज। सो एक चीज़ लास्ट, सबसे लास्ट, इस गाड़ी का टोटल कॉस्टिंग, टोटल कितना खर्चा हुआ इस गाड़ी को पूरी तरह से मॉडिफाइड करने के लिए? ओके, थोड़ा कॉस्टली है बट गाड़ी के हिसाब से वो बहुत सही है, तो इसमें टोटल कॉस्ट 1.3 गया है, मीन्स 1,30,000 के आसपास, बिकॉज इसमें डबल डिस्क है, KTM के पार्ट्स है, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि KTM के पार्ट्स काफ़ी महंगे मिलते हैं, कॉन्टिनेंटल का भी है, काफ़ी बुलेट के भी पार्ट्स है, बुलेट के भी महंगे मिलते हैं, वो हिसाब से थोड़ा कॉस्टिंग बड़ा हुआ है। अब बिल्कुल ज़्यादा टाइम आपका लेंगे नहीं, एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग हो रहा था वो है इस गाड़ी का साउंड एग्जॉस्ट। तो एग्जॉस्ट कौन सा लगाया है एक बार हम वो देख ले। ये देखिए यहाँ पे एग्जॉस्ट है जो कि आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट है, तो भाई चालू कीजिए और आवाज़ सुनते हैं इसका, ये चालू और ये केल्सी कौन सकता हूँ कि इसका साउंड लाउड है, लाउड है, थोड़ा तो लाउड होना चाहिए, तो भाई इतना खर्चा किया है, थोड़ा तो पब्लिक को मालूम पड़े क्या क्या कमाल की बाइक है। सो अब एक छोटा सा राइड वीडियो देख लीजिए, बाकी इसका फुल राइड वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, और बाकी जो भी डिटेल हो डिस्क्रिप्शन में आपको इनके इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। सो चलो चलते छोटी सी राइड पे। सो जस्ट अभी इस ब्लॉग को ख़त्म किया है, ये 2 दिन पहले शूट कर लिया था, लेकिन जो अभी मैं बाहर गया था लोनावाला ट्रिप पे, सिर्फ आपने अभी तक स्टोरी देखा रहेगा इंस्टाग्राम पे भाई। सो उसके भी वीडियोस आएंगे, बहुत ही अच्छे होटल में गए थे जहाँ पे हमने बहुत ही अनलिमिटेड मस्ती किया। और इस वीडियो को बहुत सारा लाइक, बहुत सारा कमेंट कीजिए, और हो सके तो भाई शेयर भी कर दीजिए अपने सोशल मीडिया पे। और इसका टेस्ट राइड वीडियो आने वाला है, इस बाइक को मैं लेके जाऊँगा छोटे से राइड पे और घुमा फिरा के ला के आपको बताऊँगा कि कितना मज़ा आता है भाई 220 के इंजन के साथ फुल कैफे रेसर लुक में, और डबल डिस्क ब्रेक के कैसे मजे हैं। ओके, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इस
राइट वीडियो में आएगा। सो मिलते हैं इस दूसरे व्लॉग में। इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ। सो बाय बाय। और एक चीज़ इसे इग्नोर कर दो, जस्ट मैंने भी उसको बांधा और ऊपर देखा कैसा लगता है, एकदम फलतज लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि नेटवर्क खड़ा हो गया, सर्च कर रहा है।